नमस्कार, खटपट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं बबीता। महासमुंद जिले में राज्य सरकार और प्रशासन के कुशल प्रबंधन से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, जिससे शासकीय और निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में जहां मरीज ऑक्सीजन की कमी झेल रहे हैं, वहीं महासमुंद जिले में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। राज्य सरकार और प्रशासन की कुशल प्रबंधन से ये संभव हो पाया है। आपको बता दें कि महासमुंद जिले में 7 शासकीय और 11 निजी अस्पतालों के द्वारा कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है। शासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन के 132 बेड और निजी अस्पतालों में 209 बेड हैं। इस प्रकार जिले में कुल 341 बेड ऑक्सीजन और 551 बेड बिना ऑक्सीजन के हैं। जिला अस्पताल में 176 जंबो सिलेंडर क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, जिससे 90 जंबो सिलेंडर ही वर्तमान में खपत है। ऑक्सीजन प्लांट राज्य सरकार के CGMSC मद के लगभग 2 लाख रुपए से जल्द ही बनकर चालू हुआ है। इसके अलावा जिले के लिए 200 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर अतिरिक्त मौजूद है, जिसे प्रत्येक ब्लॉकों में 10 से 15 सिलेंडर के हिसाब से रखा गया है। जिले में अभी तक 21,386 मरीज कोरोना के पाए गए हैं, जिनमें से 17,291 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और वर्तमान में 3,557 केस एक्टिव है। 238 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जो प्लांट लगा हुआ है, इसकी क्षमता है 176 कैपेसिटी वाला जंबो सिलेंडर कैपेसिटी की रखता है, और ये 176 में से हमारे यहाँ 90 सिलेंडर का इसका उपयोग किया जा रहा है, और एक इनमें से 51 ICU मरीज का इनका उपयोग किया जा रहा है।